कैसे हैं आप सब? सारे के सारे आए हो, आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं जा रहा हूँ अभी चाय लेने के लिए, ठीक है? ओ यार, देख मैं उधर से भी जा सकता हूँ, वो उधर है ना रोड के बाजू में, रोड पैदल चलने वालों का। बट मैं पार्किंग में इसलिए आता हूँ क्योंकि मेरे को ये उतार के थोड़ा सा इधर से कुछ दिखता नहीं है। देखो मैं दिखा देता हूँ, पहले वो मेट्रो स्टेशन है ठीक है उधर, और ये मेरी बिल्डिंग है पीछे, इसमें मैं रहता हूँ। और टाइम अभी 6:25 हो गए शाम के, इवनिंग का। और भाई आज का मेरा रिजल्ट रिजल्ट बोल रहा हूँ ठीक है, क्योंकि टॉपिक में मेरा रिजल्ट के ऊपर आ, जो 10th और शायद 12th का रिजल्ट आया, और शायद 10th का तो मेरे को पता है क्योंकि मेरे घर के बाजू वाला एक 10th में था। तो इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा आज, ठीक है? पहले लेते हैं चाय। आगे अपने पहले इधर देखो, इधर देखो कोई नहीं है, चेक करते, फिर इधर से लेते हैं हम चाय, और उसके बाद मैं बताता हूँ ठीक है। ये क्या वन चाय, थैंक यू। तो भाई ले ली चाय, ठीक है, टेस्टी बर्गर इसका नाम है। ये अबू बकर मेट्रो स्टेशन है इधर, इसके साथ ही है। वो यार गिर गई हाथ पे, जल गया, ठीक है। तो भाई आज का मेरा टॉपिक रहेगा ये कि भाई जो 10th का और 12th का, शायद 12th का मेरे को पता नहीं, लेकिन 10th यूपी बोर्ड, क्योंकि मैं भी यूपी बोर्ड से ही पढ़ा हूँ, और उसका रिजल्ट आ गया आज, ठीक है। कुछ के नंबर अच्छे आए, कुछ के नंबर थोड़े कम आए, कुछ के थोड़े और कम आए, तो इसके ऊपर मैं बात करूँगा आज, क्योंकि भाई मैं शायद पिछले साल भी इस पर वीडियो बनाया था, मेरे को पता नहीं, लेकिन ये मेरे को लगता है क्योंकि डीमोटिवेट बहुत ज़्यादा होते हैं बच्चे, ठीक है। और डीमोटिवेट बहुत ज़्यादा होते हैं कि नंबर कम आ गए क्या नहीं, तो करते हैं जाके अपने अड्डे पे बात, ठीक है। आज किस्मत अच्छी थी, आज नीचे मेरे को सिक्योरिटी की चेयर मिल गई, और सिक्योरिटी इधर है नहीं, ठीक है, शायद ऊपर बिल्डिंग में राउंड मारने के लिए गया होगा। तो आते हैं सीधा टॉपिक के ऊपर यार। देखो घर वालों के भी देखो, जो कोई पेरेंट्स है, मतलब माता पिता कोई भी, जो जिनके बच्चे हैं, शादी हुई है, उनके 10th के एग्ज़ाम है या हो गए हैं या होंगे कभी, देखो यार कभी भी लाइफ में डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए कभी भी, ठीक है। आप लोग, मैं ये नहीं बोलता कि भाई हर बंदा ऐसा करके ऐसा हो जाएगा, मीन्स देखो जो नंबर होते हैं ना, ठीक है, ये ओनली पूरी लाइफ को नहीं चेंज करते कि भाई आपको चेंज कर देंगे। एक लड़के के 99% आ गए कि उसका जॉब लगेगा पक्का, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भाई 99% वाले का लगेगा और जो 50% वाला, 40% वाला नहीं लगेगा, ठीक है। वो ओनली आप लोगों को एक अच्छे कॉलेज, अच्छा कॉलेज नहीं बोल सकते हैं, अब जिसका नाम है, ठीक है, उसमें एडमिशन दिला सकता है आपकी परसेंटेज, ठीक है। इतना आपके पास प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं है, इतने आपके मार्क्स कुछ भी आपके साथ नहीं रहेंगे, ठीक है। मैं बताऊं आप लोगों से, मेरे साथ भी काफ़ी सारे लड़के थे, ठीक है, मैं पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा भी नहीं था और ज़्यादा बुरा भी नहीं था, मतलब पास होने के लिए मैं पढ़ाई इतना कर लेता था, ठीक है। मेरे साथ के लड़के जिनके 100 में से 100 आते थे, और वो भी देखो कुछ लड़के जो मेरे साथ में, मैं बताऊँ, चलो मैं तो एक ये समझो इक्वल में आता था, ना तो ऊपर आता था ना नीचे आता था, एक बीच के साइड, मतलब नीचे से बस ऊपर आता था, ऊपर से नीचे नहीं आता था, ये समझ सकते हैं, नीचे से बस ऊपर की थी, इतना इतनी अच्छा भी नहीं तो इतना बेकार भी नहीं था, ठीक है। यूपी बोर्ड से मैंने 10th और 12th किया, उसके बाद जो नीचे वाले थे ना, ठीक है, वो आज के टाइम में हम लोग तो सेटल नहीं है, ठीक है। और जो मेरे से ऊपर वाले टॉपर थे, वो अभी तक कोई सेटल नहीं हुआ, ना किसी की जॉब लगी, ना अभी कुछ हुआ, मीन्स, ठीक है, कोई किसी की जॉब नहीं लगी। मैं अभी भी उनके साथ में कॉन्टैक्ट में रहता हूँ, ठीक है, हम सब फेसबुक पे हैं, इंस्टाग्राम पे भी हैं, और कुछ के मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर भी हैं अभी भी, जो मेरे से, मीन्स ये मैं बोलता हूँ, मेरे लेवल के तो, और मेरे से नीचे थे, अपने से नीचे नहीं मैं बोल सकता यार, ठीक है, क्योंकि मैं भी नीचे से नीचे के लेवल में आता था, वो लड़के अच्छी खासी जॉब पे लग चुके हैं, ठीक है। तो भाई पेरेंट्स, आप लोग को मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, जिसके भाई बहन है, हाँ उनको आप पढ़ाई के लिए बोल सकते हो, इतना फोर्स नहीं कि आपके यार 50% क्यों, आपके 60% क्यों आए, ठीक है, या परसेंटेज पे कुछ मैटर नहीं करता है,
बस परसेंटेज आपको लाइन में आगे लगा सकता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। एक लड़के के 90% आके वो एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में जा सकता है, कोई अच्छे से डीयू वगैरह में जा सकता है, ठीक है, जिसके कम मार्क्स है वो प्राइवेट कॉलेज में मिल जाएगा उसको। लेकिन ये मैटर नहीं करता कि भाई वो टॉपर है तो वो टॉपर ही रहेगा, ठीक है। तो ये दिमाग से भाई बिल्कुल निकाल दो। आपके जितने आगे, आपके अगर 40 से 45% भी आगे ना, आपने आगे कुछ करना है तो यार अभी आगे पे फोकस करो, पीछे का छोड़ दो। कुछ बच्चे बेचारे फेल भी हो जाते हैं भाई, तो कोई बात नहीं यार। मैं जितने भी अपने आप यूट्यूबर यूट्यूब पे देखो जाके, जितने भी बंदे फेल हुए हैं ना, मैं ये नहीं बोलता कि भाई हर बंदा फेल हो जाओ तुम ये कर दोगे, लेकिन भाई कभी भी आप हिम्मत नहीं हारो, ठीक है। यार मैं उसको भूल गया, दो बोले थे मैं, एक बार तो बोला था मैं जो बीच राह में बैठ जाते हैं वो बैठे ही रह जाते हैं, जो लगातार चलते रहते हैं वो निश्चित मंजिल पाते हैं, ठीक है। जो आप चलते, जैसे पानी है, पानी का बहाव कभी रुकता नहीं है, ठीक है, वो चलता रहता है, नदी का पानी हर टाइम चलता रहता है। तो उससे कुछ सीखो यार, मीन्स वो कभी नहीं रुकता, ठीक है, चाहे वो गंदा होता है चाहे अच्छा होता है वो, लेकिन वो चलता रहता है। और उसमें एक क्वालिटी है, आप उसमें कचरा भी डालोगे ना उसको नीचे रख देगा, ठीक है। जो आपको गलत कमेंट कर रहे हैं उनकी बातें सुनो, निकाल दो, ठीक है। और एक यार मैं भूल गया उसको, ठीक है, एक था कदम कि निशान बन जाए कुछ ऐसा था, मेरे आज भी ध्यान है, शायद मेरी डायरी में लिखा होगा, मैं चेक करके आपको ज़रूर बताऊंगा उसको, ठीक है। मेरे कहने का मतलब यह है कि यार मार्क्स डिपेंड नहीं करते आपकी लाइफ के ऊपर, ठीक है। मैं अपने साथ के एग्जांपल देता हूँ, जितने मेरे फ्रेंड थे मेरे सर्कल के, मैं कॉलेज में सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है, मैं 12th तक की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 10th और 12th की। जितने भी लड़के मेरे साथ में थे जिनके जो टॉपर थे, ठीक है, वो अभी भी इंडिया के अंदर हैं, ठीक है, किसी ने बीटेक में एडमिशन ले रखा है, किसी ने किसी में ले रखा है, किसी में किसी में ले रखा है, ये मतलब उधर ही है। जो नीचे में हमारा सर्कल था, जो हमसे, मैं बोल सकता यार अपने तरफ नीचे नहीं बोल सकता, मीन्स एक जो नीचे लेवल में आते थे, वो आज के टाइम में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा सबसे ज़्यादा है मेरे फ्रेंड आज भी, ठीक है। और जितने मेरे फ्रेंड थे टॉपर नहीं थे कि भाई टॉपर मैं बोल सकता हूँ, मीडियम थे वो लड़के, वो आज के टाइम में कनाडा में सेट हैं, ठीक है। दो लड़के पीआर भी, परमानेंट रेसिडेंस भी हो गए उधर जाके, और कुछ के स्टेट कंप्लीट हो गए, वर्क परमिट मिले हुए हैं, ठीक है, वो भी जल्दी हो जाएंगे, हम दुआ करते हैं ऊपर वाले से। मेरे कहने का मतलब, और भाई जो कुछ नीचे लेवल में, तो सरकारी लेवल पे जॉब कर रहे हैं इंडिया के अंदर, अच्छा आर्मी में गए हुए हैं, पुलिस में गए हुए हैं, और पुलिस में भी ऐसा नहीं कि भाई नीचे लेवल पे, अच्छे लेवल पे गए हुए हैं कुछ लड़के हमारे साथ के, और मिलिट्री में तो काफ़ी गए हुए हैं। मीन्स मेरा कहने का मतलब यह है, काफ़ी एक बैंक में लगा हुआ है मेरे साथ का लड़का, एक रेलवे में है। मीन्स ये मैटर नहीं करता कि भाई आपके 50% आ गए, आपके 60% आ गए, आपके 40%, नहीं भाई, ठीक है, आपका बस प्रैक्टिकली आपको आना चाहिए। अब बहुत सारे लड़के मेरे को कमेंट करते हैं, भाई मैं देख इसको दिल पे नहीं लेना, मैं सीरियस बता रहा हूँ। कुछ लड़के मोस्टली करते हैं कि भाई मैंने बीकॉम किया हुआ, मैंने बीटेक किया हुआ, मैंने एमटेक वाले का भी आता है, ठीक है। देखो भाई मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट आपको एजुकेशन, मैंने इधर ऐसे भी देखा दुबई में, जो 10वीं फैल है लेकिन अच्छे मैनेज अच्छी जगह पे जॉब कर रहे हैं, 10-10 हज़ार सैलरी है, 10वीं फैल की मैं बात बोल रहा हूँ, 5 हज़ार से, मीन इंडिया के 1 लाख से 2.5 लाख तक कमाते हैं पर मंथ, ठीक है, लेकिन उनको प्रैक्टिकली मालूम है, ठीक है। ये नहीं कहता कि भाई मैं के अनएजुकेटेड बंदे को हर बंदे को मिलेगा, ठीक है, मार्क डॉक्यूमेंट भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिकल भी नॉलेज होनी इंपॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस बोलते हैं जिसको, ठीक है। अभी आप लोग बोलेंगे मैंने बीटेक किया, मैंने बीए किया, या मैंने एमए किया, या मैंने बीकॉम किया, मैंने 12वीं किया, 10वीं किया, यार आपके पास ऐसे डॉक्यूमेंट लेके तो कोई भी आ जाएगा, मैं गलती किया है, ठीक है, मेरी वजह से आप लोग भी ये गलती करें तो मेरा वीडियो बनाने का फ़ायदा क्या होगा, ठीक है। मैंने उधर से मैं अपने बारे में बनाऊंगा, मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया, मैं बीच में छोड़ के आ गया था, ना कोई काम सीखा ना कुछ सीखा, बस डाटा एंट्री ऑपरेटर का। मैं 12th के बाद में, जैसे मैंने 12th का एग्ज़ाम दिया था, मेरे को पता था कि भाई मैं पास हो जाऊँगा, इतने मैंने काम किया उसमें पेपर में, ठीक है, इतना मैं लिखा, तो उसके बाद मैंने डाटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स किया था बस, एक बाकी मैंने कुछ भी नहीं किया था, ठीक है, ना मेरे को कोई काम आता ना कुछ। तो जो प्रॉब्लम मैंने फेस कर ली भाई, मैंने इधर इतने काम किए, क्योंकि आप बस, मैं एक दिन वीडियो बनाऊंगा हर चीज़ के, यार नीचे से लेके मैं छोटे से छोटा काम किया दुबई के अंदर, ठीक है, बर्तन तक सफाई किया यार,
ठीक है, अभी आप लोगों से मैं कुछ भी झूठ नहीं बोलता, तो अभी आप लोग सोच सकते हो। तो यार वही काम आप लोग करें आके इधर, ठीक है, ग्रेजुएट होने के बाद भी यार कुछ काम सीखो। मीन्स अगर जो आप बीकॉम है, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपका फील्ड क्या है, आप अकाउंट काम में आते, तो आप थोड़ा सा कंप्यूटर नॉलेज ले लो, एक बेसिक नॉलेज ले लो। आप एमएस, एक तो एमएस ऑफिस, टेली और एक्सेल, तीन सीख लो आपको। एक महीना किसी के पास में काम कर लो इंडिया में, भाई मैं पैसे नहीं लूँगा, बस मैं काम करूँगा, ठीक है। आप बोलोगे यार ये पागल हो गया क्या, भाई मैं रियली बोल रहा हूँ, वो आपको एक महीने की सैलरी से ज़्यादा आपको काम आ जाएगा। वो आपका एक महीना है ना, सच बता रहा हूँ, वो पूरी लाइफ, आपके बच्चों की लाइफ को भी सेट कर सकता है वो आपका एक महीना, ठीक है। आप किसी भी कंपनी में जाओ इंडिया के अंदर, किसी भी उसके पास चले जाओ, ठीक है, दिल्ली में चले जाओ, या कोई भी, आप कोई भी सिटी के अंदर हो, आप हैदराबाद से मेरे को वीडियो देखते हो, काफ़ी सारे कमेंट आते, थैंक यू भाई आप लोगों को, बहुत सारे को, ठीक है। किसी के बोलो कि सर प्लीज़ मेरे को जॉब दे दो, मैं सैलरी नहीं लूँगा, ठीक है, ऐसा बोलो, सैलरी भी नहीं लूँगा, ठीक है। आप वो काम सीख जाओगे, उसके बाद आप किधर भी, आप यार दुबई छोड़ो, आपको इंडिया में अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी, कोई भी कंट्री में, अगर जो आपको, क्योंकि यार इधर आप आओगे, ठीक है, आपको ये नहीं देखेगा कोई, हाँ भाई ये लड़का एम कॉम किया हुआ है, एम टेक किया हुआ है, या सिविल से किया, पॉलिटेक्निक किया हुआ है, 10वीं किया हुआ, वो नहीं देखेगा। उसके साथ साथ आपको क्या देखेगा, और डॉक्यूमेंट भी देखेगा, आपके इधर सिस्टम पे बैठा देगा, ठीक है, बोलो ये चीज़ मेरे को करके दिखाओ, आपका 3 दिन का प्रैक्टिस ट्रेनिंग चल रहा है, आपके सामने दे देगा पूरे ओपन करके कि भाई मेरा काम ख़त्म करो। अकाउंट वाले हैं तो उसको दे देगा अपनी फाइलें कि भाई मेरा अकाउंट का काम देखो कंपनियों का, तो आप बोलेंगे नहीं तो जी मैं तो, मेरे को तो स्कूल में गया था, मैं कॉलेज में गया और बस, मैं तो ये किया, ये तो मेरे को पता नहीं। भाई आपको सिखाने के पैसे नहीं देगा, आपसे अगर जो 1 लाख दिरहम सैलरी दे, सॉरी 1 लाख दिरहम बोल रहा हूँ भाई मैं, अगर जो आपके इंडिया के 50 से 1 लाख रुपये सैलरी देगा ना, चाहे 10,000 दे रहा है, छोड़ो यार इतना, तो अगर जो कोई आपसे 10,000 रुपये सैलरी दे रहा है ना, तो आपसे वो कम से कम उसका 3 या 4 गुना काम लेगा, ठीक है। मतलब आप उसको 10,000 आपको दे रहा है, तो आपको 5,000 का, 50,000 का उसको काम देना पड़ेगा, जब आपको 10,000, क्योंकि जब आपसे बेनिफिट होगा जब ही तो वो आपको रखेगा ना। तो टोटली देख बात किधर से किधर आगे, वीडियो में इतना बड़ा नहीं बनाना सोच रहा था ये सच में, लेकिन आई होप आप लोगों को भाई वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया ये। मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई आपके अगर जो कम मार्क्स भी आए, ठीक है, मेरे घर वाले भी, मैं बताऊँ भाई, मेरे घर वाले इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है, लेकिन मेरे घर वालों ने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, अच्छे स्कूल में भेजा, सब काम किया, हर चीज़ में प्रेशर रहता था, सच बताऊँ मैं, ठीक है, ये बात मैं अपनी मम्मी को बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ, बोला पढ़ लिखने के बाद भी ये काम करना पड़ता है इधर, ठीक है। जब मैं स्टार्टिंग में था तो मैं बोलता था ये बात कि अच्छे स्कूल में पढ़ाया, सब काम किया, जब तो बोलते थे पढ़ लिख लो, ये काम नहीं करना पड़ेगा, बोला वो काम अच्छे खासी पढ़ाई करने के बाद भी ये काम करना पड़ रहा है, क्या करें, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई जो भी लाइफ में आपको हो रहा है, आप उससे बेटर कर सकते हो, ना कि अगर जो आप टेंशन डिप्रेशन में आ जाओगे, टेंशन लोगे, ये वो, छोड़ो यार, दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा आपको रोटी नहीं देगा, दूसरा आपका फ्यूचर सेट नहीं करेगा, आपने अपना फ्यूचर खुद सेट करना है। आपके माँ बाप हैं, कितने दिन रहेंगे वो लोग, ठीक है, आपका आपका जगह शादी होगी, बच्चे होंगे, तो आपने उनका भी, अपने के साथ साथ अपने पीछे फैमिली का भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, अपने ध्यान रखें, अपने फैमिली का ध्यान रखें। अगर जो भाई वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और भाई कमेंट जो भी आपका दिल में आता हो वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, तो भाई भाई का एकदम स्वागत है आपके, उसका भाई जितना प्यार आप लोग, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, जितना आप लोगों ने प्यार दे दिया भाई, मैं नहीं सोच, सच में मैं ये नहीं, जब भी चैनल बनाया था कि भाई देसी आदमी को, एक देसी लड़के को आप लोग इतना प्यार करोगे, मेरे से भी जितना होता है भाई आप लोगों की सपोर्ट करता रहता हूँ मैं, ठीक है, ओके। अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, और कुर्सी मिल गई थी आज, नहीं तो मेरे को नीचे बैठ के वीडियो बनाना पड़ता है, उधर एक स्टेयर है, उधर बैठता हूँ मैं, ठीक है, तो ओके भाई, थैंक यू।